और मालदीव के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है और ना ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का चीन प्रेम किसी से छिपा है। इसके बावजूद मालदीव सरकार ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक समझौते को रिन्यू करने की मांग की गई है। यह समझौता 2019 में हुआ था। इसमें 5 सालों में 1000 ब्यूरोक्रेट्स को भारत द्वारा ट्रेनिंग देने की बात की गई थी। इस महीने ये समझौता खत्म हो रहा है और मालदीव भारत से एक बार फिर मदद चाहता है। चीन के चंगुल में फंसे मालदीव को भारत की याद आ रही है। आखिर ये कैसा गेम है, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जून 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच एक MOU साइन हुआ था। इस MOU में तय हुआ था कि अगले 5 सालों के दौरान 1000 ब्यूरोक्रेट्स को भारत में ट्रेनिंग दी जाएगी। यह समझौता फरवरी 2024 में पूरा हो रहा है। मालदीव के ब्यूरोक्रेट्स के आखिरी बैच की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन इसी बीच मालदीव ने अब एक पत्र लिखकर इस MOU को रिन्यू करने की मांग की है। इस MOU में दोनों पक्षों के सहमति से उसे रिन्यू करने का भी प्रावधान था और मालदीव अब इसी का हवाला देते हुए MOU रिन्यूअल पर भारत की सहमति मांग रहा है। आइए अब जानते हैं कि मालदीव के इस प्रस्ताव पर भारत का क्या कहना है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय ने MOU को रिन्यू करने के पक्ष में राय दी है। गौरतलब है कि मालदीव के ब्यूरोक्रेट्स को भारत ना सिर्फ ट्रेन करता है बल्कि ट्रेनिंग का सारा खर्च भी उठाता है। अभी तक 29 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा चुके हैं और 30वां प्रोग्राम इस सप्ताह शुरू हो रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 से भारत में मालदीव के ऑफिसर्स और ऑफिस होल्डर्स के लिए 2200 से ज्यादा इन पर्सन ट्रेनिंग दी गई हैं। आपको बता दें कि जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इसके बाद उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया था और लोगों से घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा देने को कहा था। इन तस्वीरों के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने लगे। इसके बाद इन तस्वीरों पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने विवादित टिप्पणियां कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव को भारतीय सेलिब्रिटीज और आम लोगों के गुस्से का खूब सामना करना पड़ा था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।